भोजपुरी का नाम भाई पवन जी ने पूरे देश में पूरे विदेश में फैलाया है। और हवा हवा जब मिलता है तो तूफान होता है, फिर आंधी बहुत तेज बहती है, और पवन जी के पास अभी भी इतनी ताकत है, इतने सारे इंडस्ट्रियलिस्ट लोग जुड़े हुए हैं, इतने देश के बिजनेसमैन जुड़े हुए हैं। आप किसी युवा का रिज्यूम मेरे पास सबमिट करिए, कल से अगर रोजगार में नहीं गया तो राजनीति से संन्यास छोड़ दूंगा। और मेरे और पवन जी का नाम तो एक ही है, पर्यायवाची शब्द है। एक और जहां समीर डेहरी विधानसभा के लिए प्रयासरत है, अब समीर का पर्यायवाची पवन लोक संसदीय क्षेत्र के लिए प्रयासरत रहेंगे। और समीर और पवन जब मिलेंगे, हवा हवा जब मिलता है तो तूफान होता है, फिर आंधी बहुत तेज बहती है, और निश्चित तौर पर वैसे लोग उड़ जाया करते हैं जिनका कहीं कोई लाग लपेट में रह नहीं जाता इस क्षेत्र। क्या काराकाट लोकसभा में समीर कुमार पवन सिंह के लिए जोर शोर से प्रचार करेंगे पूरे काराकाट लोकसभा में? बिल्कुल, पूरी टीम करेगी। समीर कुमार, आप जानते हैं कि डेहरी विधानसभा क्षेत्र में हमने काम के बल पे ही अपना नाम बनाया है। ना मैं यहाँ पे किसी बड़े नेता का बेटा हूँ, ना कोई बहुत बड़ा मैं माफिया हूँ। आप सब जानते हैं, आप लगातार हमारे कामों को कवर किए हुए हैं, तो निश्चित तौर पे डेहरी को, काराकाट लोक संसदीय क्षेत्र को देश में एक नया नाम देने के लिए, जिस प्रकार भोजपुरी का नाम भाई पवन जी ने पूरे देश में पूरे विदेश में फैलाया है, मैं चाहता हूँ कि इनके साथ मिलकर काराकाट लोक संसदीय क्षेत्र का नाम पूरे देश ही नहीं पूरे विदेश में फैलाया जाए, ताकि भविष्य में कोई काराकाट संसदीय क्षेत्र में आना चाहे कुछ नया देखने के लिए। और यहाँ बहुत अपार संभावनाएं हैं, टूरिज्म के क्षेत्र में है, इंडस्ट्रीज के क्षेत्र में है, एजुकेशन के क्षेत्र में है, हम लोग कई सारे मुद्दों पर मिल बैठ के काम कर सकते हैं। और डेहरी जो है वो प्राइम पॉइंट है काराकाट लोक संसदीय क्षेत्र का, जहाँ से तमाम संसदीय क्षेत्र के दरवाजे खुलते हैं, हम सभी मिलजुल के एक अच्छा प्रयास करेंगे लोक संसद बनाने। अच्छा, एक बात बताइए, पवन सिंह एक युवा है, तो काराकाट में लगातार देखा जाता है कि युवाओं का पलायन होता है रोजगार के लिए दूसरे जगह, तो कितना युवाओं को रोजगार दे पाएंगे, क्या लगता है? देखिए, वर्तमान की स्थिति जो काराकाट लोक संसदीय क्षेत्र के पूर्व के प्रतिनिधियों ने बनाई और केवल झूठे और खोखले वादे किए, ऐसे में युवाओं के पास कोई पलायन छोड़ के कोई दूसरा उपाय बचता नहीं था। जहाँ एक और हम लोगों ने आपने देखा बीते दिनों डालमिया नगर में 1471 घर जहाँ खाली हो रहे थे, जिसका बचाने का हम लोगों ने पुरजोर काम किया, लगातार क्वार्टर बचा हुआ, लोग उसमें रह रहे हैं। तब एक अगला ही पॉइंट है डालमिया नगर रेल कारखाना खुलवाना, क्योंकि जब 1471 परिवार वहाँ रुक गया, अगल बगल के बिजनेस वहाँ उसके हिसाब से चल रहे हैं, तो पहला मुद्दा है कि रेल कारखाना खुलवाना या कोई एक कारखाना वहाँ खुलवाना, जमीन पर्याप्त है वहाँ पे। अगर पवन जी संसदीय क्षेत्र से चुन के सदन में जाते हैं तो सदन नहीं चलने दिया जाएगा, इनके माध्यम से मैं आपके तरफ से आश्वस्त करता हूँ, चाहे जितना संघर्ष करना होगा हम लोग करेंगे। और लोक संसदीय क्षेत्र में काराकाट में सबसे पहले डालमिया नगर जैसे क्षेत्रों पे हम लोग एक रोजगार साधन शुरू करें, ताकि लोगों को रोजगार मिल सके। जब रोजगार मिलेगा तो आप समझ सकते हैं विकास कितना तेजी से होगा। और पवन जी के पास अभी भी इतनी ताकत है, इतने सारे इंडस्ट्रियलिस्ट लोग जुड़े हुए हैं, इतने देश के बिजनेसमैन जुड़े हुए हैं, आप किसी युवा का रिज्यूम मेरे पास सबमिट करिए, कल से अगर रोजगार में नहीं गया तो राजनीति से संन्यास छोड़ दूंगा।